आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बहने वाली टोंस नदी की बात करना चाहूँगा, जो यमुना नदी की मुख्य रूप से सहायक नदी मानी जाती है। टोंस उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुस पर्वत को इसका उद्गम माना जाता है। यह नदी ग्लेशियर से होती हुई हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हमेशा बहती रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस नदी की लंबाई 148 किलोमीटर मानी जाती है, जो बॉर्डर के क्षेत्रों में कालसा नदी से होकर यह नदी गुजरती रहती है। आज भी मौर्य सम्राट के अशोक शिलालेख में इसकी गिनती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, टोंस नदी की मुख्य रूप से सहायक नदी पब्बर नदी और रोहड़ू नदी को मानी जाती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हमेशा बहती रहती है। जी हाँ दोस्तों, एक नदी और बहती है जिसे हम लोग तमसा नदी के नाम से जानते हैं। तमसा नदी जो उत्तराखंड राज्य में ही बहती रहती है, जिसका उद्गम देहरादून के 56 किलोमीटर की दूरी पर कालसी नामक स्थान को माना जाता है, जो बंदरपुस पर्वत की यहाँ सबसे बड़ी शिवालिक पहाड़ियों को मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस नदी की श्रेष्ठता अपनी अलग पहचान बनाती है। दोनों नदी मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है, जो अंत में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी जो सबसे श्रेष्ठ नदी में गिनती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आसपास में घूमने का जगह है जिसे गुच्छू पानी के नाम से जानते हैं, और डाकू गुफा है जो सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। आसपास में उत्तराखंड क्षेत्र में बहने वाली गुफा देखते बनता है। टपकेश्वर मंदिर है, जो टपकेश्वर मंदिर जो शिव के आराध्य के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। खासकर यह दर्शनार्थियों की हमेशा तांता लगा रहता है, जिस आसपास में लोग हमेशा आते रहते हैं। आइए उत्तराखंड की धरती के हिमाचल प्रदेश में यह घूमने वाली श्रेष्ठ जगह है। तो दोस्तों इतना ही बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो डालता हूँ आप लोग देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा।